हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिस फूड टॉनिक। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस ब्रेड पकोड़े में आपको चटनी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने अंदर ही चटनी लगाई है। ये टी टाइम के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे और उसे गर्म करने के लिए रख देंगे। जब ये गर्म हो जाए तब हम उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया और सरसों के दाने डाल देंगे। फिर इन्हें अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए अभी अच्छे से पक चुके हैं। फिर हम इसमें अच्छे से कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 प्याज लिया है और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी हल्दी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए अब हमारा पेस्ट अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें 3 बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे और उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसे भी ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक का डाल लेंगे, 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स का डाल लेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाले का डाल लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी फिलिंग बनके तैयार है। अब हम लास्ट में इसमें चाट मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी फिलिंग को निकाल के रख लेंगे। फिर हम एक बॉल में 1 कटोरी बेसन की लेंगे और उसे बॉल में डाल देंगे। फिर इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन का लेंगे, 1/2 चम्मच नमक का लेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर का डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें धीरे धीरे से ऐड करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको धीरे से पानी ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर बनाने के लिए लगभग 1 कटोरी पानी की लगेगी। बैटर को आप अच्छे से फेंट लीजिए, तभी आपके ब्रेड पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए पानी आप आराम से डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से आपके बैटर पे लम्प्स नहीं बनेंगे। ये देखिए अब हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म करने रख देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम ब्रेड के पीसेस में चटनी लगा लेंगे। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी ली है और इसे अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चटनी लगा लीजिए। अब हम दूसरे ब्रेड में भी अच्छे से चटनी फैला लेंगे। अब हम साइड्स में एक बार अच्छे से चटनी लगा लेंगे। ये देखिए अब हमारी ग्रीन चटनी लग गई है। अब हम दूसरे ब्रेड पीसेस में टोमेटो केचप लगाएंगे और उसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब हम दूसरे ब्रेड पीस में भी अच्छे से केचप को फैला लेंगे इस तरह से। इसे आपको अच्छे से फैलाना है ताकि ये हर जगह बराबर से लगे। ये देखिए ब्रेड पीसेस में अच्छे से चटनी लग चुकी है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच आलू के लिए हैं और इसे ऐसे अच्छे से फैला लेंगे। आलू को हमें अच्छे से फैला लेना है ताकि ये बराबर से हर एक जगह में जाए। ये देखिए ऐसे आपको हाथों की मदद से इसे फैला लेना है। अब इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड में भी आलू की फिलिंग करेंगे।
अब हम दूसरे ब्रेड को लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। फिर हम इन ब्रेड पीसेस को बीच से ऐसे काट देंगे। मैं यहाँ चाकू की हेल्प से काट रही हूँ, आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से भी काट सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी फीलिंग आई है। अब इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड पीस को भी अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए अब हमारा बेसन थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल लीजिए, हमें बेसन थोड़ा सा पतला चाहिए। अब आप इसे अच्छे से फेंट लीजिए ताकि आपके ब्रेड पकौड़ा सॉफ्ट बने। ब्रेड पकौड़ा बनाते समय आप इस पर बेकिंग सोडा ना डालें, अगर आप बेकिंग सोडा डालोगे तो आपका ब्रेड पकौड़े थोड़े से ऑयली बनेंगे। ये देखिए बैटर हमें कुछ इस तरह का चाहिए। अब हम एक ब्रेड पकौड़ा लेंगे और उसे बैटर में डाल देंगे। इसे आपको अच्छे से कवर करना है। ये देखिए इसे सभी साइड से अच्छे से कोट कर लीजिए। अब ये अच्छे से कोट हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें इसे डाल देंगे। फ्राई करते समय आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। अब हम इसे दूसरी साइड से पका लेंगे। इसे आप फिर एक बार टर्न कर लीजिए और इसे पका लीजिए। अब हम इसे दूसरी साइड से फिर से पका लेंगे। ये देखिए अब हमारा ब्रेड पकौड़ा तैयार है। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। अब हम दूसरा पीस लेंगे और उसे भी ऐसे डिप कर लेंगे। आपको एक एक पकौड़े को एक एक बारी में फ्राई करना है। अगर आप एक साथ सभी पकौड़ों में बेसन लगा दोगे तो वो सोगी हो जाएंगे। ये देखिए अब इसमें भी अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। अब ये अच्छे से बन गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सभी ब्रेड पकौड़ा बना लेने हैं। अब मैं आपको काट के बताऊंगी कि इसके अंदर की फीलिंग कैसी आई है। ये देखिए कितनी अच्छी फीलिंग आई है। अगर आपको मेरी ये इजी और यमी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.